एकमात्र मोबाइल सर्विसिंग सेंटर जहां खराब मोबाइल का सर्विसिंग होता है। अगर आपको भी अपनी मोबाइल सर्विसिंग करानी है तो आ जाइए हमारे दुकान में जो कि राजगढ़िया मार्केट में स्थित है। यहां पर सभी कंपनी के मोबाइल का रिपेयरिंग होता है। हमारा पता है राजगढ़िया मार्केट के अंदर, प्रोप्राइटर श्री विजय राजगढ़िया। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं सागर पांडे आपके साथ। आइए जानते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के धनबाद जिला इकाई द्वारा सोमवार को उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति के बैठक का काला बिल लगाकर और रणधीर वर्मा चौक से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च कर विरोध जताया गया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें आरटी के बिंदु पर विचार कर आज की बैठक को स्थगित करते हुए प्रारंभिक समिति की कमेटियों को पुनः भंग कर पुनः स्थगित करने की मांग की गई। इस दौरान कहा गया कि आज एसोसिएशन इस बैठक का शांतिपूर्वक शिक्षा का अधिकार अधिनियम का विरोध कर रहा है, क्योंकि यह बैठक संबंध प्राप्त विद्यालयों को फायदा पहुंचाने और धनबाद जिले के लगभग 800 गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को बंद करने की साजिश रची जा रही है, जो कि वर्तमान में अधिसूचना के अनुसार अनुपालन को लेकर माननीय उच्च न्यायालय झारखंड सरकार के समक्ष गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय की एसोसिएशन द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया है। इसलिए जब तक इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक मान्यता प्राप्त के बिंदु पर विचार करना न्यायोचित नहीं होगा और यह उच्च न्यायालय का अवमानना समझा जाएगा। वहीं जिला सचिव इरफान खान ने कहा कि जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा फिर भी यह बैठक दिखाकर आरटी 2009 के तहत बड़े विद्यालयों को मान्यता दी जाती है तो एसोसिएशन कोर्ट की शरण में जाएगा और केस दर्ज करेगा। बिल्ला लगा के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आज झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई धनबाद जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में आज आरटी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता देने हेतु उपायुक्त सभागार में जो बैठक बुलाई गई है, उसका झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी काला बिल्ला लगाकर हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आरटी 2019 संशोधित शिक्षा का अधिकार अधिनियम झारखंड राज्य में जब लागू किया गया था तब इसके खिलाफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में जाकर रिट याचिका दायर किया था। उस समय हाई कोर्ट के द्वारा पूरे राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खिलाफ कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इसलिए हम लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। धन्यवाद। पूरा परिचय इरफान खान, जिला सचिव धनबाद, झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन।